आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा विकास दुबे भी बंद नंबर से पकड़ा गया है। क्या है दूसरे विकास दुबे की कहानी, चलिए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। यूपी का मोस्ट वांटेड आरोपी आशु, कांदिवली क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को उसे गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी अकबर पठान ने शनिवार को ये जानकारी दी। आशु को विले पार्ले से पकड़ा गया है। कांदिवली क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर सुनील माने ने बताया, आशु पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था, हमने उसे हापुड़ पुलिस को सौंप दिया है। आशु पर आरोप है कि बीते साल यहां भाजपा नेता राकेश शर्मा की उसने हत्या की। जनवरी में वो नोएडा के एक कंपनी के रीजनल मैनेजर गौरव चंदेल के मर्डर में भी शामिल था। सूत्रों के हवाले से खबर आई है, आशु ने करीब 6 महीने से बंद किसी नंबर से यूपी में किसी को फोन किया। हापुड़ पुलिस ने उसके बाद उस नंबर को ट्रेस करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की मदद मांगी। पहले कांदिवली क्राइम ब्रांच की टीम जोगेश्वरी गई, पता चला आशु ने वहां से अपना ठिकाना बदल लिया है और कांदिवली में एकता नगर में कहीं शिफ्ट हो गया है। जब टीम कांदिवली पहुंची तो आशु वहां भी नहीं मिला। इसके बाद लोगों से पूछताछ की गई, कुछ टेक्निकल इनपुट्स के जरिए उसे विले पार्ले में इरला गांव से लोकेट किया गया। मुंबई आने के बाद उसने अपना पूरा हुलिया बदल लिया ताकि कोई यहां उसे पहचान ना सके। उसने अपना नाम आशु से आकाश कर दिया, मुंबई में फल बेचने का काम करने लगा। मुंबई क्राइम ब्रांच को यूपी पुलिस के अधिकारियों ने बताया है, आशु के खिलाफ अकेले नोएडा में ही 40 से 50 केस दर्ज हैं। वो विकास दुबे जितना ही कुख्यात गुंडा है जिसे एनकाउंटर में 10 जुलाई को मारा गया है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।